पार्वण ऋतु रे अनिच्छा सत्वे मध्य यात्री मानकु क्षमा प्रार्थना करी अनिर्दिष्ट काल पई बस धर्मघट डाकरा देछंती बस घरै मालिक संघ जार प्रभाव पुरी रे पड़ी देखिबाक मिलिछि। आपण देखत यो होची पुरी बस स्टैंड रो ताजा दृश्य। जो बस स्टैंड रे प्रत्येक दिन सकाळु राती पर्यंत हजार हजार संख्या रे यात्री थांती, आज सेही बस स्टैंड संपूर्ण रूपे खाका अछि। केवल समस्त यात्री निर्भर करछंती सरकारी बस उपरे। सरकारी बस केते बेळे आसीबो सेमाने सेठारे सेठारु सेमाने सेमानक गंतव्य स्थल को जिबे भुवनेश्वर हो किमा कटक हो। एवं आपण जो कथा पार्वण समय निहती भाव में समस्त समस्त घर को जीवा इच्छा रखी था गंतव्य स्थल को इच्छा रखी था कि आप देखो तो पूरी में तो सीधा सड़क प्रभाव पड़ी पर्यटन क्षेत्र पूरी में सीधा सड़क प्रभाव पड़ी पूरा बस स्टाण्र दृश्य आप देखुं सब गाड़ी थुआई सब बस थुआई जात्री मैंने ना ना हईरा होती कितु बड़ कथ हूँ जेहेतु गत काली अवगत अच्छा से प्रायतः अनेक जात्री बस स्टाण ठीक आसी ना ये हूँ बस स्टाण्र दृश्य आपको आम पूरा देखा कि भाव में पूरी बस स्टाण संपूर्ण रूपए ठप हो एवं निहत भाव में समस्त घर बस मालिक संघ जो निष्पत्ति नहीं सेने कायम रही जदि हुए गत काली परिवहन मंत्री प्रतिक्रिया रखी थे आलोचना को आसतु एकपाखिया निष्पत्ति नियंतु कि घर बस मालिक संघ से जिदी में अटल अच्छे आम चेस्टा करवा कि प्रतिक्रिया माउस कुआ जावाक जा कौन बर्तमान अवस्था असुविधा तो घर को बस घर मालिक संघ एवं सरकार के भीतर जो बाद बिवाद आपड़ फसी जा सरकार सरकार निश्चित नहीं मैं कां भाँ जात्री रही कां भाँ जात्री पूरी बस स्टाण रही जेहेतु गत काल्ठ से अवगत अच्छा किंतु पूरी उपर बड़ प्रभाव पड़ी अनेक जात्री मैंने भक्त मैंने श्रद्धा मैंने दर्शनार्थी मैंने जो मैंने आसुते से आसी ना पूरी बस स्टाण रे सीधा सड़क बड़ धरण प्रभाव देखा मिली। जदि आपंक आम भिडी भल लगला तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।